Subscribe to my channel and press bell icon to get all new updates from Macram Creation. Hello friends, welcome to my channel. आज मैं आपको झूमर की और एक न्यू डिज़ाइन बना के बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल इजी डिज़ाइन है और बहुत कम समय में बन जाता है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो झूमर है इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे टू कलर की मैक्रम की यूज़ करूँगी, पिंक और वाइट। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैंने लिया है मटका बीट्स बेल्स और हमें चाहिए लाइटर सीजर और कुछ रिंग्स। और इसका जो डिटेल्स है फ्रेंड्स, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको वाइट कलर की जो कॉर्ड्स है वो 12 आपको लेना है। और ये जो कॉर्ड है फ्रेंड्स, मैंने 1.5 मीटर में कट किया है। और इसका जो मिडिल है फ्रेंड्स, कॉर्ड्स के मिडिल में मैं 1 पिंक कलर की कॉर्ड लेके इसको हमें कॉर्ड के ऊपर रैप करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी दूर करने के बाद इसको आपको एक साथ करके ये जो कॉर्ड है इसको इसके ऊपर से टाइटली इसको खींच के इसके साथ एकदम अटैच कर देना है। और इसको हम अब कट करेंगे और कट करके लाइटर से हम इसको स्टिक करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, 1-1 करके कॉर्ड्स को आपको अच्छी तरीके से खींच लेना है। और देखिए, ये जो कॉर्ड है इसको भी आपको इस तरीके से ठीक से लाइटर से चिपका देना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें लेना है 1 3.5 इंच का रिंग और लेना है इस तरीके का बीट्स। और 1-1 करके जो कॉर्ड है उसको आप उसमें आपको ये जो बीट्स है इसको डाल देना है। और इस रिंग में आपको इस तरीके से फंसा लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉर्ड है इसको हम फंसाएंगे, ये सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो 1-1 करके हमें लेना है और अटैच करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से 1-1 करके हमें कॉर्ड लेना है और सेम डिस्टेंस पे इसको फंसा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 12 कॉर्ड को डाला था, तो ये हो गया है अब 24। तो 24 कॉर्ड में आपको बीट्स अटैच करना है, फिर इस रिंग में कवर कर देना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा जो रिंग है इसको मैंने कवर किया है। देखिए फ्रेंड्स, बीच बीच में गैप आया है तो इसको भी मैं कवर कर दूंगी। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉर्ड की ज़रूरत है और एक्स्ट्रा मैं 4 कॉर्ड का यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी 1.5 मीटर में मैंने कट किया है और इसको आपको मिडिल में लाना है और 6 कॉर्ड के बीच बीच में आपको इस तरीके से देखिए फंसा लेना है। इस तरीके मैंने 1 फंसाया है। अब 1 फंसाने के बाद हमें 6 कॉर्ड को छोड़ देना है और फिर से बीच में हमें डालना है कॉर्ड्स को। फिर हम छोड़ेंगे 6 कॉर्ड। इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना है एक्स्ट्रा पिंक कॉर्ड हमें लेना है और यहाँ पे जो कॉर्ड है इसको हमें रैप करना है सारे कॉर्ड्स को। तो इस तरीके से कोई भी एक कॉर्ड्स आपको लेना है और देखिए फ्रेंड, इसके ऊपर इसको पाइपिंग करना है इस तरीके से। 2 टाइम आपको पाइपिंग करना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कॉर्ड को लेना है और इस तरीके से हमें पाइपिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, 1 लाइन यहाँ पे कंप्लीट है। फिर मैं 2nd लाइन बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सेम प्रोसेस है, ये जो कॉर्ड है इसके ऊपर आपको फिर से जो लाइन है इसको कंटिन्यू करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे में मैंने इसको कंटिन्यू किया है और यहाँ पे एंड हो गया है इस ये लाइन। तो अब मैं इसको कट करूँगी यहाँ पे और फ्रेंड्स, जो रिंग मैंने पहले डाला था उसी सेम साइज का जो रिंग है मैं फिर से 1 लेके ये जो सारा कॉर्ड्स है इसको अंदर डाल लेना है पहले। और इसको हमें 1-1 करके फ्रेंड्स इस रिंग में अटैच कर देना है। इस तरीके से हमें सारे जो कॉर्ड्स है वो अटैच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें लेना है 1.5 इंच का रिंग और 1-1 जो कॉर्ड है इसमें सारा जो कॉर्ड्स है उसमें इस तरीके से देखिए बीड्स डालना है और कॉर्ड्स को मिडिल में डाल के आपको फिर से अटैच करना है। Thank you.
देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे जो कॉर्ड है टोटल है 32 कॉर्ड्स, 32 कॉर्ड्स है। और देखिए फ्रेंड, बीच बीच में यहाँ पे गैप भी आया है, तो बीच में हमें कॉर्ड्स अटैच करना है। और यहाँ पे हम 3 कॉर्ड्स के गैप में 1 करके हम यहाँ पे वाइट कॉर्ड्स का अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जैसे एक अटैच कर दिया। इस तरीके से 3 कॉर्ड को छोड़ देना है और बीच बीच में 1 करके हमें करना है अटैच। और फ्रेंड्स, ये जो कॉर्ड है वो मैंने लिया है 1 मीटर में। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 1 करके मैंने 3 कॉर्ड्स के बीच में 1 अटैच कर दिया है। अब फिर से हमें लेना है 1 पिंक कॉर्ड एक्स्ट्रा। और इस तरीके से फिर से हमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था इसको रैप करके, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें करना है 1 1 करके। सारे जो कॉर्ड्स है उसको हमें रैप करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 टाइम बनाया था, यहाँ पे भी उसी तरीके से आप चाहे तो 3 या 4 टाइम भी बना सकते हैं, प्रोसेस सेम है। तो इसी तरीके से हमें इसको कंटिन्यू करना है। अब तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 टाइम कंप्लीट किया है। इसके बाद हमें फिर से लेना है 1 रिंग। तो इस रिंग में हमें सारा जो कॉर्ड्स है फिर से हमें करना है अटैच। उसके पहले फ्रेंड्स, ये जो कॉर्ड आया है ये पिंक, उसको हम कट करेंगे एंड पीछे से हमें इसको स्टिक कर देना है। और फिर हमें इस तरीके से कॉर्ड्स को लेना है, फिर हमें 1 1 करके फ्रेंड सारे कॉर्ड्स को इस तरीके से अटैच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल कॉर्ड आया है 54 कॉर्ड आया है। तो हम अब एक छोटा सा रिंग यहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ मैंने ये जो रिंग है इसका जो नाप है वही सेम साइज में मैंने लिया है। अब इसमें सारे कॉर्ड्स को अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें अब 1 1 करके अटैच करना है और 1 करके हमें छोड़ देना है। तो 54 यहाँ पे कॉर्ड है, तो इसमें से हम डिवाइड करके हाफ यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ज्वाइन किया है, बाद में मैं इसको छोड़ देने वाली हूँ और नेक्स्ट का जो है उसको मैं अब अटैच करूँगी। इसी तरीके से 1 करके कॉर्ड छोड़ देना है और 1 अटैच करना है। और ये जो कॉर्ड है फ्रेंड्स, ये ऊपर के साइड पे आपको रखना है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 27 कॉर्ड्स को नीचे के जो रिंग है उसमें मैंने अटैच कर दिया है और ऊपर है 27। अब मैं इसको कट करूँगी और बीट्स अटैच करेंगे। तो आप किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं बीट्स से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको कट करने वाली हूँ और इसमें बीट्स अटैच करने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आपको बीट्स को अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें एक बेल्स अटैच करने वाली हूँ और यहाँ पे मैं पिंक कलर की यूज करूंगी। इस तरीके से हमें पीछे से ये जो कॉर्ड्स है इसको हमें स्टिक कर देना है लाइटर की मदद से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 27 टोटल कॉर्ड्स था और यहाँ पे मैंने 3 हिस्सों में इसको बांट दिया था और यहाँ पे 9 करके, देखिए मैंने 1 कलर का बीट्स लगाया है, रेड 9 है और ब्लू और पिंक 9 है। इस तरीके से 3 हिस्सों में मैंने इसको किया है। और फ्रेंड्स, नीचे का जो कॉर्ड्स था जो मैंने अंदर से निकाल दिया था उसको मैंने इस तरीके से बीट्स डाल दिया है, छोटे से बड़ा इस तरीके से कॉर्ड्स को कट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है बहुत ही इजी एंड ब्यूटीफुल है। डिज़ाइन आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल न्यू अपडेट्स पाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।